करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर इंदिरी में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरे अमले के साथ पहुंचकर अवैध रूप से बनाए गए निर्माण पर कार्यवाही की। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां मौजूद है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो पाए। इंदिरी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार को नियुक्त किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने SDO सुशील कुमार ने कहा कि स्टेट हाईवे पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया है और जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है उनको चेताया भी गया है कि वे आगे से ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण ना करें, नहीं तो फिर भी कार्यवाही हो। उन्होंने कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किया है, कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। सुशील कुमार SDO PWD भिंडार से हूँ और हम शेड्यूल रोड एक्ट के तहत जो वायलेशन जिन्होंने कर रखी है उनको हमने पहले नोटिस दिए और उनको टाइम देने के बाद भी जब उन्होंने अपने स्ट्रक्चर अपने आप नहीं गिराए तो महकमे ने ये स्टेप उठाना पड़ा। इसमें हमने जो है ना तहसीलदार साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया है, वह पुलिस फोर्स भी साथ में है और हम इसकी कार्रवाई आज कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ कार्रवाई? कार्रवाई हमने अपना इधर से दर्द कुराली से शुरू करके और अपना लाडवा तक की है और बीच में कुछ पोर्शन जो है ना डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री तक और बीच में कुछ पार्ट DTP ऑफिस का आता है जिसको हमने छोड़ दिया। कुछ लोगों को वार्निंग भी दी गई जिन्होंने शेड शूट आगे बढ़ाया। हाँ, कुछ लोगों ने अपने आप शेड हटाने के लिए बोल दिया लेकिन वो जो है ना उनको एक आध को नोटिस नहीं देगा, वो नोटिस भी हम जल्दी दे देंगे। तो कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी जो लोगों ने इस तरह का अवैध? ये तो कार्रवाई कंटिन्यू क्योंकि लोग बनाते रहते हैं और ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उनको नोटिस दे दिए जाएंगे, आगामी कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी।